आइए बात करते हैं आगरा की। बरौली आहिर विकास खंड के ग्राम मेहरा नारगंज में यमुना नदी पर अधूरे पुल के निर्माण की मांग को लेकर नवभारती किसान संगठना के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 5 दिनों से धरना जारी है। बता दें कि पिछले 15 वर्षों से पुल का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, साथ ही यमुना नदी द्वारा लगातार नदी किनारे बसे गांवों की सैकड़ों बीघा जमीन का कटान होकर एतमादपुर और फिरोजाबाद की तरफ चला गया है। इस मामले में नवभारतीय किसान संगठना ने शासन प्रशासन पर निशाना साधते हुए बड़े आंदोलन का भी इशारा दिया है। आइए देखते हैं आगरा से अनीस खान की रिपोर्ट को। मेरा नाम मारा सिंह वर्मा है, जिला सलाहकार नव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक आगरा। किसान यूनियन की तरफ से ये मेरा नारगंज में जो धरना चला गया है, क्या कर रहे हैं? और हम इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले 2001 में जब बहन मायावती की गवर्नमेंट बनी थी तब ये पुल यहाँ पुल का निर्माण कराया गया था। हाँ, उसके बाद में आज तक डबल इंजन की सरकार आज तक चल रही है, लेकिन इसके बारे में कोई गौर नहीं किया गया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पुल का तुरंत निर्माण कराया, अधूरे पुल का तुरंत निर्माण कराया जाए और मेहरा नारगंज से थार रामपुर बरौली गुजर तक जो किसानों की जमीन कम से कम 1000 एकड़ जमीन कट चुकी है, उसके लिए यहाँ पत्थर की पार बनाई जाए जिससे इससे जो कटान में गांव आ रही है, किसानों की भूमि आ रही है, उसको बचाया जा सके। मैं नरेंद्र कुमार वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि बरौली गुजर। धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारा पुल जो है करीब 12-14 साल से अधूरा पड़ा है, इस संबंध में हमारा धरना चल रहा है। जब तक ये पुल नहीं बन जाएगा जब तक हमारा धरना चलता रहेगा इसी तरह। मैं सूरजवान प्रधान, ग्राम पंचायत मेहरा नारगंज। क्या समस्या है जो कि यहाँ धरना प्रदर्शन? समस्या हमारी पुल की है, पुल लगभग हमारा 14-15 साल से अधूरा पड़ा है। इस पुल से बहुत समस्या आ रही है गांव के किसानों को और लोगों को।